वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूँ शिल्पा और आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि ब्रेन हैमरेज के कारण क्या क्या होते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी कभार लक्षण ऐसे होते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। यदि आपको एकदम से सडन हेडेक होता है, काफ़ी तेज़ सिर में दर्द होता है, कई बार लोग सोचते हैं ऐसे ही सिर दर्द होगा, दैट कुड बी ड्यू टू इंटरनल कुछ वहाँ डेवलपमेंट है, कुछ ब्रेन में हेमरेज है, या वॉमिटिंग या नौसिया होता है, ज़रूरी नहीं उल्टी आती है दर्द के साथ, या फिर ऐसे ही आती है उल्टी आपको अचानक बिना किसी कारण के, तो वो भी एक इसका जो है लक्षण देखने को मिलता है। या कुछ लोगों को झटके लगने लगते हैं बॉडी में, जैसे सीजर्स जिसको बोलते हैं, या हाथ पैर कमज़ोर पड़ जाएं आपके। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि जैसे उठे तो लगता है कि टांग में जान ही नहीं है, या हाथ में आपके वो पावर नहीं है जो पहले पावर होती थी, या फिर जो है चलने में थोड़ा सा बैलेंस आपका बिगड़ जाता है। स्पीच की अगर प्रॉब्लम आ जाए, स्पीच थोड़ी लड़खड़ाने लगे आपकी, या खाना निगलने में आपको प्रॉब्लम होने लगे, या इसके अतिरिक्त जो है आपके बॉडी के अंदर जो है नंबनेस, या कहीं पर जो आपको इस तरह की महसूस हो कि बॉडी में कोई करंट ठीक से नहीं जा रहा है, वीकनेस बॉडी में लगने लगे, तो इस तरह के लक्षण यदि हों तो थोड़ा सा फिर आपको चेकअप कराने का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि आजकल चेकअप है, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो टेस्ट्स हैं वो किसी साइंस को बिलोंग नहीं करते हैं, टेस्ट कोई भी करा सकता है, हम भी कराते हैं, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, या कुछ और एमआरआई हुआ, दीज आर ऑल मॉडर्न साइंटिफिक जो आपके टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कोई भी सिस्टम करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये डॉक्टर साहब तो आयुर्वेदिक हैं, ये क्यों टेस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा कई बार लोग पूछ लेते हैं हमसे कि जी आप तो आयुर्वेदिक हैं, आपको तो टेस्ट नहीं कराने चाहिए। नहीं नहीं, कोई चीज़ उपलब्ध है, अगर अवेलेबल है और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, चिकित्सा तो हम आयुर्वेदिक ही करेंगे ना। एक बार हमें समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका इलाज तो आयुर्वेदिक ही करेंगे, तो ज़रूर आपको लक्षणों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी है, और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। ओम प्रकाश शर्मा अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए शर्मा जी, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं पहले तो आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं पिछले करीब 6-7 साल से जी मैं जो है एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था कि मुझे कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत परेशान था, बहुत चेकअप करा लिए, काफी इलाज कराया मैंने। अच्छा, कहीं क्या, क्या, नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपकी? पेट में मुझको इतनी तकलीफ थी कि कोई बीमारी बता ही नहीं रहा था कि मुझे बीमारी क्या है। अच्छा, मुझको अच्छा। ऐसा था कि मुंह से अजीब सा वो आता था जी, जैसे वो आता था गरम गरम सा, फिर मुझे छाले टाइप के से हो जाते थे जी, मेरी लेटरिन के रास्ते को बहुत खुजली, मतलब मैं ये था कि मैं बहुत परेशानी में था। अच्छा, तो मैंने 4-5 बार तो मैं आपको सुना, बड़ी मतलब शांति से मैंने आपको सुना 3-4 बार। अच्छा, तो मुझे ये लगता था कि टीवी पे ऐसे फ्रॉड आते हैं सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने जब 3-4 बार मैंने आपको सुना तो मुझे आप पे विश्वास हुआ, तो मैंने जीवा में फोन मिलाया करीब 8 महीने पहले जी। तो वहाँ डॉक्टर मोहन मिश्रा जी से मेरी बात हुई जी। तो डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझसे बात की, पहले महीने की मेरी दवाई आई। अच्छा। तो मुझको पहले दिन से ही अच्छा ये लगा कि अब शायद हो सकता है मैं अपनी लाइफ जी सकूंगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, और डॉक्टर साहब मुझे 7-8 महीने हुए दवाई खाते खाते जी, और मैं जो है अब आप ये मैं कह सकता हूँ उस चीज को कि मैं 80% ठीक हूँ। अरे वाह, क्या बात है, देखो बहुत अच्छी बात। ये आपने कहा कि कई बारी जो है आदमी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं, टेलीविजन में भी अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, तो हमारा उद्देश्य तो यही है जीवा का कि जब हम अपने शो भी में भी कोई बात करते हैं तो वहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक नॉलेज आप तक पहुँचे और सही सच्ची बात आप तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहता है। और जो टीम हमने तैयार की है जीवा में, जैसा आपने खुद महसूस भी किया, वो भी प्रॉपर टाइम देते हैं आपको, और आपको जान के ये भी अच्छा लगेगा कि हम अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं, अपने खर्चे पर आपसे बात करते हैं जी, और आधा आधा घंटा बात करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज़ हमारे यहाँ शो में आपने शेयर की, क्योंकि ऐसे आप जैसे लाखों करोड़ों लोग बेचारे दुखी हैं, घूम रहे हैं इधर उधर,
तो आपकी बात सुनकर ज्यादा विश्वास करेंगे। कई बार हम अपनी अपनी बात करते रहें तो उसका उतना वजन नहीं होता जितना आपकी बात का वजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, नमस्कार। तो दोस्तों, इनकी तरह अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 01294040404। डॉक्टर साहब जी, इट्स फीडबैक टाइम। यस, जीवा आयुर्वेद से लाखों लोगों ने उपचार पाया है, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और ऐसे ही एक व्यक्ति अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है, मैं 68 ईयर्स ओल्ड हूँ, 28 सेक्टर फरीदाबाद में रहता हूँ। मैं पेट से पिछले 8-10 साल से तकलीफ में था, पेट में गैस और पेट में इंडाइजेशन एंड कब्ज बनी रहती थी। मैंने बहुत इलाज किया, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं आया। जब मुझे मालूम था, क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो मैंने पेपर में भी देखा कि जीवा का नाम, जीवा आयुर्वेद सेंटर है, तो मैंने यहाँ पे नेट से उनका नंबर निकाल के फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर देवेंद्र से। आज मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे दवाई लेते हुए, तो मुझे काफ़ी फ़र्क है, गैस का भी फ़र्क है, इंडाइजेशन का भी फ़र्क है। तो अब मैं दवाई अभी भी ले रहा हूँ और लूँगा अभी, और मैं जीवा आयुर्वेदिका और डॉक्टर देवेंद्र का धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा आपने बताया पेट के रोग, तो मैं आपको सभी दर्शकों को कहूँगा कि पेट का रोग यदि आपको है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, पेट के रोगों में तो आयुर्वेद चैम्पियन है बिल्कुल, और ख़ास तौर से जीवा की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जीवा में कोई भी चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आँख बंद करके कुछ भी दवाई किसी को दे दी जाती। पेट के रोग हों, त्वचा के रोग हों, स्किन का कोई भी कितना भी पुराना रोग हो, माइग्रेन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये जो लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं, जिसको कि आजकल कह दिया जाता है कि भाई ये तो पूरी ज़िंदगी आपको गोली खानी पड़ेगी, ऐसा कोई रोग है आपको जिसमें आपको ये बताया गया है कि लाइफ लॉन्ग आपको गोली खानी पड़ेगी, तो आप जीवा की तरफ रुख कर लीजिए। हम जो है आपके रोग के कारण को समझेंगे और उसका निवारण करेंगे आयुर्वेदिक तरीके से। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जी, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।